मुशावरत के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे दोबारा होगा। सियासी जमातों के मुसवदों के मुश्तरका निकात पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज दे दी। विफाक के साथ सूबों में भी आईनी अदालतें बनाने और जजेस तकरूरी के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क्याम की भी तजवीज। JUI और PTI ने मुसवदे पेश नहीं किए। इत्तफाक राय की सूरत में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास फौरी बुलाने की तजवीज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर डी चौक में एहतजाज का ऐलान। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी। पंजाब के तमाम अजला में एहतजाज मनसूख कर दिए गए। PTI सियासी कमेटी के इजलास में कहा गया, आइनों कानून से बेजार हुकुमरान सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर पर भी आमादा नहीं नजर आते। पंजाब और वफाकी हुकूमतें चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल करते हुए छापों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जुल्म बर्बरियत बंद होनी चाहिए। डी चौक पर एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्दअमल, कहा शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं, मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे, ये बैन अल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ ने कहा, शरपसंद अनासर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा, साजिशी जहनीत वालों को घर बैठना चाहिए। पाकिस्तान में सदर आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर रस्मी गुफ्तगू, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, खुशगवार चुमलों का तबादला, दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। आईनी तरमीम पर खसूसी कमेटी का इजलास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसवदा सामने आ गया। विफाक के साथ सूबों में भी आईनी अदालतें बनाने और जजेस तकर्री के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क्याम की तजवीज़। कमीशन में कौमी असम्बली और सैनट के दो दो अरकान होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सब जमातें इत्तफाक़ राय की तरफ आएँ, लचक दिखाना होगी, किसी शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं है। फर्द वाहद के पास सब इख्तियारात मसाइल पैदा करते हैं, इंशाल्लाह मुल्क की बेहतरी होगी। स्पीकर आयाज सादिक की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान बोले, हुकूमत ने पहली दफ़ा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ और JUIF PTI से मुशावरत करेगी। हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुत्तफ़िका मसौदे की तरफ आगे बढ़े। हुकूमत ने जो इब्तिदा में हमें एक मसौदा यहाँ काले थैले में भेजा था और जब हमने उसका मुताला किया था तो वो ना आईन का तकाजा पूरा कर रहा था ना जमहूरियत का। हम ये भी तजवीज कर रहे हैं कि 19वीं तरमीम को खत्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए, जिसमें के जजों के तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, कारकर्दगी की बुनियाद पर हो। आईनी मुसवदा कबूल नहीं, हमारी तजावीज़ मंजूर होंगी तो आईनी तमीम पर वोट देंगे। इत्तफाक राय तब होगा जब लचक का मुजाहरा किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान डट गए। मौलाना फजल रहमान के बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल पहले भी मुलाकात कर चुके, आज भी आए, हमने वोट देना होता तो दे चुके होते, आज पहली बार मुसवदे की कॉपी दी गई, मुसवदे पर गौर कर रहे हैं, मुसवदे पर इत्तफाक के लिए हमें कम अज़ कम 9 रोज़ का वक्त दरकार होगा, कोशिश है मुसवदे से काबिल एतराज़ मवाद साफ किया जाए। कहा पार्लियामेंट को अवामी ख्वाहिशात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम की बहाली चाहते हैं, खुदा के लिए अदलिया को तकसीम ना किया जाए, जजों को भी खुद को गैर जानबदार साबित करना होगा। कोई भी ड्राफ्ट हमारे पास हैंडओवर नहीं हुआ था, वो आर्टिकल कुछ जजेस रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स थे, वो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मुझे वकीलों ने कुछ फीडबैक उन पर ये दिया, वो जो ड्राफ्ट पेश किया इसलिए हमने उसको लिखा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि मैंने उसके टॉप पे लिखा है नॉट अ ड्राफ्ट बाय द गवर्नमेंट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत की जानिब से कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया, वज़ीर कानून ने जजेस से मुतालिक कुछ आर्टिकल्स दिए, मुजवजा ड्राफ्ट पर बार काउंसिल की तजावीज़ पेश की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के हवाले से तजावीज़ दी हैं। असद कैसर ने कहा कि आईनी तरमीम 17 या 18 अक्टूबर को लाई जा रही है, फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर ज़बरदस्ती से कौन सी कानून सासी होती है, हमारे अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है,
19 और 20 करोड़ रुपए की ऑफर्स दी गई हैं, मगर हमारा कोई एमएनए नहीं टूटेगा। ये लोग ऐसे तरीके से आखिर क्यों कानून साजी करना चाहते हैं? हम इनको अदलिया पर हमलावर नहीं होने देंगे। तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेना चाहिए। उमर अयूब बोले, स्पेशल कमेटी का इजलास बुलाया गया, हम वहाँ नहीं पहुँच सके। हमें धमकी देने वाले मोहसिन नकवी अली अमीन गन्नापुर के पाँव में बैठ गए। पेट्रोल बम फेंकना, गारम गलोच सर फाड़ना, जो जुनूनी जत्थे का एक वतीरा बन चुका है, वो उनकी बदतरीन ख्वाहिश थी कि इस फसाद के नतीजे में खुदा न खास्ता लाशें गिरें और पाकिस्तान में ये फसाद जंगल की आग की तरह फैल जाए। उस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर उम्दा प्रोफेशनल अप्रोच के ज़रिए उस मामले को एक मंतकी इंजाम तक पहुँचाया। एक सूबे ने विफाक पर गैर आइनी लश्कर कशी की, फसादियों ने फसाद बरपा किया। उनकी ख्वाहिश थी लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खिताब, कहा पेट्रोल बम और गालम ग्लोज जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। अगर कौमी मफाद को ठेस पहुँच जाती तो पाकिस्तान का इमेज मशरू होता। अजायम नाकाम बनाने पर इस्लामाबाद पुलिस को सलाम पेश करता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस ने मुश्किल हालात में अपने फ़राइज अहसन अंदाज से निभाए। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान कर दिया। कहा मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पुलिस में भर्तियों के मामले में ताखिर ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फातह खानी की और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद का दौरा, शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के लिए किए जाने वाले इकदामात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीरा मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। SCO इजलास में शरपसंद अनासर को रखना डालने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। रुकन मुल्कों के सरबराहान और मंदबीन का भरपूर खैर मकदम किया जाएगा। यकीन है कि हमारे मेहमान पाकिस्तान का मस्बत तशख्स साथ लेकर चलेंगे। कहा चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के माहदे होंगे। SCO इजलास मुआशी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर डी चौक में एहतजाज का ऐलान, 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी। पंजाब के तमाम अजला में एहतजाज मंसूख कर दिए गए। PTI सियासी कमेटी के इजलास में कहा गया, आइन और कानून से बेसार हुक्मरान सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर पर भी आमादा नजर नहीं आते। पंजाब और वफाकी हुकूमतें चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए छापों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जुल्म बर्बरियत बंद होनी चाहिए। PTI सियासी नहीं मुल्क दुश्मन जमात है, एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान के खिलाफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राणा सनाउल्ला ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, मगर कुछ लोग फसाइयत फैला रहे हैं। मुल्क को बदनाम करने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी खर्च पर सुप्रीम कोर्ट के अलविदाई डिनर से मासरत कर ली। अलविदाई डिनर पर 2 मिलियन से जायद का खर्च आता है। चीफ जस्टिस का मौकिफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से मुरासले में कहा गया, फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के 24 अक्टूबर के इशाइए की दावत कबूल कर ली। तुर्कमानिस्तान में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर रस्मी मुलाकात, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात खुशगवार जुमलों का तबादला किया। दोनों सदूर का दोतरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर जरदारी ने अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब में कहा, खिते में अमन और खुशहाली के लिए प्रयास हैं। फन सकाफत का तबादला आवाम को मजीद करीब लाने का बेहतरीन तरीका है। फोरम में शिरकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। खिते के ममालिक के दरमियान रवाबत के फरोग पर तवज्जो मरकूज करना होगी। ये फैसला हो गया है, मैंने फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार मांगा कि मेरा सूबा है, मेरे सूबे में मुदाखलत ना करो और मुझे इख्तियार दो। मैं जिम्मेवारी लेता हूं इस चीज की कि मैं इंशाल्लाह
ये जिरगा भी कराऊंगा और ये जिरगा हमेशा की तरह से हमारे लोग पुरमन है, पुरमन रहेंगे और अपने जायज़ मुतालबात जो उनका हक है मांगना वो अपने इस जिरगे के जरिए एक करारदाद के जरिए पेश करेंगे और उनको भी इंशाल्लाह मैं बहसीत वज़ीर आला हुकूमत की तरफ से तमाम उन जगहों पर लेके जाऊँगा जिन जगहों पर वो मुतालबात इंशाल्लाह हल होने हैं। जिरगा हमारी पख्तून रिवायात का मजर और मजबूत हिस्सा है। बदकिस्मती से विफाक की जानिब से पख्तून जिरगे पर कार्रवाई की गई। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की कल अदम पीटीएम के नुमाइंदों से जिरगे के बाद मीडिया टॉक, कहा इस कार्रवाई से जिरगा शुरका की शहादतें हुई, लोग जख्मी भी हुए। अब मेरी कोशिश है कि अमन को कायम करूँ और हल सिर्फ मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। अली अमीन गन्नापुर ने कहा मोहसिन नकवी ने अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया तो मुझे दिया, लेकिन अवाम के लिए मैं हर एक के साथ बैठने को तैयार हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखेंगे, जायज़ मुतालबात हर हाल में तस्लीम किए जाएंगे।